अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज ईमान में रखे। व्यूअर्स, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। नए आने वालों से यही गुजारिश करूँगी, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपके साथ टाइमली शेयर की जा सके। व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूँगी माह रमज़ान की, क्योंकि मुझे कुछ मजबूरियों की वजह से और कुछ हालात इस तरह के हो गए थे कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ अरसा पहले मार्च में मेरे कज़न की शादी थी, मैं आज़ाद कश्मीर चली गई और वहाँ से जब वापस आई तो मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी और इस वजह से मैं व्लॉग ना बना सकी। अभी शादी की बातें हो ही रही थी कि शादी कैसी हुई, किस तरह हुई, अभी इस बात में लगे हुए ही थे कि अचानक से मेरे मामू की डेथ होगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदोस में जगह अता फरमाए और उनकी अचानक मौत से हम लोगों को तो जैसे कि एक धचका सा लग गया और ऐसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी, 4 साल की थी, तो मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे और उसके बाद हमारे मामू ही थे जिनके साथ हमारी इतनी अटैचमेंट थी और इन मामों के साथ तो हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। शायद किसी एक व्लॉग में आपने देखा भी होगा कि क्योंकि जब मेरे बेटे की सालगिरह थी तो वो मेरी वालदा के साथ बैठे हुए भी थे, तो हमारे मामू ने कभी हमें फील ही नहीं हुआ कि हमारे वालिद साहब नहीं हैं। तो उनके अचानक मौत की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। अभी मम्मी मामू हमारे की याद से हम अभी दुख से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि हमारी मुमानी फोत हो गई है। तो ये एकदम से इतनी सारी आफात आने के बाद हम लोगों को तो यकीन माने, मुझे तो ये भी याद नहीं था कि व्लॉग बनाना भी है, कि मेरा चैनल भी है कि नहीं है। तो काफ़ी परेशानियों के बाद तो अब दिल भी नहीं करता था कि मोबाइल उठा के करूं, क्योंकि मोबाइल उठाने को इसलिए दिल नहीं करता था क्योंकि मेरे मामू सुबह शाम फ़ोन करते थे और हम लोगों को, हम लोग बड़े खुश थे इस चीज़ में कि हमारे मामू हमें बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं, लेकिन अब हमारे लिए घाटे हो गए। शायद अल्लाह ताला की इसमें भी कोई बेहतरी थी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी कर दी है, क्या पता वो बीमार हो जाते और उनकी औलाद भी उनसे तंग हो जाती। अल्लाह ताला की दिल की अल्लाह ही जानता है, हम तो अपने घाटों को रोते हैं तो उसकी रज़ा तो वो ही जाना है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि काइंडली आप लोग मेरे मामू और मेरी मम्मानी के लिए ख़ासतौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और हम लोगों को सब्र अता फरमाए। रोने की बात नहीं है, रोते नहीं हैं हम लोग, रोने का तो है कि सारी ज़िंदगी ही रोना है, लेकिन ये जो दुख होता है ना, ये इंसान को रुला देता है। तो मेरी वालदा के लिए दुआ करें क्योंकि वो इस सदमे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो दुआ है अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज ईमान में रखे, जाना बरहक है, लेकिन अचानक मौत की वजह से जो धचका सा एक दफ़ा लग जाता है ना, तो उसका सब्र बड़ी देर से आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को अपने हिफ्ज ईमान में रखे, लेके जाना है, जाना भी है इस बात की कि जो आया है उसने ज़िंदगी से लौट के भी जाना है, लेकिन सब्र आते आते बहुत देर लग जाती है। आप लोग दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे मामू मामी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे और आला मुकाम दे उनको, क्योंकि माह रमज़ान के महीने में और शिवरात के महीने में जो फोत हो जाता है वो कहते हैं कि जन्नत में जाता है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और हमें सब्र दे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।